मुझे उसके बारे में 10 तारीख को पता चला था और मैंने इसके बारे में एक प्रोग्राम भी किया था। मैंने उस दिन यहां इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा था, रास्ते में मैंने वहां जाते हुए डिसाइड किया था कि गैरत गवारा नहीं करती है। यानी मेरा मसला महंगाई तो हो नहीं सकता, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक कमा लेता हूं, मेरे ख्याल में महंगी चीजें भी हम खा लेंगे। 70 साल से महंगाई बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, एक दिन ऐसा नहीं आया कि आपकी महंगाई नीचे जा रही, ऊपर जा रही, फिर भी जी रहे हैं लेकिन गले में एक पट्टे के साथ। यार महंगाई की तो आदत हो गई, पट्टा तो निकाल लो, निकाल लो पट्टा। उस दिन मेरे दिमाग में यह बात आई थी कि मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा अपने मीडिया में जो सरेंडर करेगा। मुझे लगा कि बतौर पाकिस्तानी ये नहीं हो सकता कि बाहर से एक आदमी बैठे या एक मुल्क वो फैसला करे कि मेरे मुल्क में कौन हुकूमत करेगा और कौन नहीं करेगा, नहीं हो सकता। आप फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे, मैं करूंगा, मेरा मुल्क है, मैं वहां से कोई बैठ के फैसला नहीं करेगा। तो मेरी गैरत तो गवारा नहीं करती ना, मेरा दिल नहीं मानता। खान साहब, हमारे घरों में जिनका दिल नहीं मानता ना, उनके घरों में बिजली के बिलों से ज्यादा एफआईआर टांगी हुई है इस वक्त। वो समी इब्राहिम, एक दर्जन एफआईआर इधर है, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, दर्जनों के हिसाब से एफआईआर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता। और एफआईआर देते हैं गद्दारी की, बगावत की। गद्दार हूं मैं? आपको मैं बागी लगता हूं? मैं बागी हूं और गद्दार हूं तो आप सारे भी गद्दार हैं जो मुझे सुनने के लिए यहां बैठे हैं। बुलाओ कोई पंचायत, कोई जिरगा बुलाओ, बिठाओ पहाड़ों से लेकर नीचे तक अपने सारे लोगों को और पूछो कि हम गलत बात कर रहे हैं। आज प्राइमरी का बच्चा सवाल पूछता है, प्राइमरी का बच्चा, बाहर निकल के देखो इंसानों का वजूद सवाल बना हुआ है। देखो इनको 22 करोड़ सवाल आपके सामने खड़े हैं, दो जवाब। यही कहा था मैंने 2 दिन पहले, मेरे ऊपर जवाब देने के बजाय 6 पर्चे हो गए एक रात के अंदर, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब मांगेंगे, जवाब लेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि तुमने कहा था ये सारे चोर हैं, तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियोस दिखाई थी, मैं गवाहूं, मुझे इनकी इन्वेस्टिगेशंस की वीडियो दिखाई है। मोहित भाई देखा है ना, पढ़ी है आपने फाइलें, आपने भी पढ़ी है, हमें फाइलें इन्होंने पढ़ाई हैं, हमें वीडियोस दिखाई हैं, हमें ऑफिसर्स मिलवाए हैं, हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है, डाकू है, तेरा मुल्क खा जाएगा। मैं बिगड़ गया, मैंने कहा नहीं खाने दूंगा, मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से, किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। मुझे आपने लड़ने के लिए कहा, मैं अपनी मर्जी से लड़ने के लिए आया। मैंने पहले अपने आप को कायल किया कि मैं लड़ूंगा इस लड़ाई को, आप इस लड़ाई को छोड़कर चले गए, अधूरी छोड़ दी आपने लड़ाई। कल वो चोर थे, डाकू थे, आज ऐसे नहीं हो सकता, नहीं मानेंगे, दिल नहीं मानता। जवाब देना पड़ेगा, जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। आपको टक्कर के लोग मिले हैं, ये पहाड़ों से उतर के नहीं आए, ये कोई मौलवी नहीं है, ये कोई पिसा हुआ तबका भी नहीं है, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान को चलाने वाले लोग,
ये जवाब मांगते हैं, जवाब देना पड़ेगा। आप लड़ाई छोड़कर गए हैं, मैं क्यों छोड़ूं? मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगा, या हार के आऊंगा या जीत कराऊंगा, लड़ाई पूरी लड़ूंगा। हमारा सिलेबस ही मुकम्मल नहीं हो रहा। 70 साल हमें पढ़ाया कि ये ऐसे है, अल्लाह अल्लाह करके नालायक लोग हैं हम। हमने अल्लाह अल्लाह करके वो सबक याद किया और सिलेबस बदल दिए। अब कहते हैं ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। यार कोई एक सिलेबस बना दो, एक क्रिकुलम रख लो, इस मुल्क का मुल्क चल जाए। हर थोड़े अरसे के बाद आप कोई चैप्टर नया शामिल कर देते हैं। हर थोड़े अरसे के बाद वो गद्दार था, अब वो हुब्बुल वतन है, अब तुम गद्दार हो। इधर तकलीफ होती है, खुदा की कसम। कोई FIR दे दो यार, कत्ल की दे दो, डकैती की दे दो, गद्दारी की तो ना दो। गद्दारी की FIR, गद्दार है हम, बोलो गद्दार है। बुलाओ पंचायत, बिठाओ कोई जरगा, करो फैसला, हम गद्दार हैं नहीं है। पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। मुझे उसके बारे में 10 तारीख को पता चला था और मैंने इसके बारे में एक प्रोग्राम भी किया था। मैंने उस दिन यहां इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा था, रास्ते में मैंने वहां जाते हुए डिसाइड किया था कि गैरत गवारा नहीं करती है। यानी मेरा मसला महंगाई तो हो नहीं सकता, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक कमा लेता हूं। मेरे ख्याल में महंगी चीजें भी हम खा लेंगे। 70 साल से महंगाई बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। एक दिन ऐसा नहीं आया कि आपकी महंगाई नीचे जा रही, ऊपर जा रही, फिर भी जी रहे हैं, लेकिन गले में एक पट्टे के साथ। यार महंगाई की तो आदत हो गई, पट्टा तो निकाल लो, निकाल लो पट्टा। उस दिन मेरे दिमाग में यह बात आई थी कि मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा अपने मीडिया में जो सरेंडर करेगा। मुझे लगा कि बतौर पाकिस्तानी ये नहीं हो सकता कि बाहर से एक आदमी बैठे या एक मुल्क वो फैसला करे कि मेरे मुल्क में कौन हुकूमत करेगा और कौन नहीं करेगा। नहीं हो सकता, आप फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे, मैं करूंगा, मेरा मुल्क है, मैं, वहां से कोई बैठ के फैसला नहीं करेगा। तो मेरी गैरत तो गवारा नहीं करती ना, मेरा दिल नहीं मानता। खान साहब, हमारे घरों में जिनका दिल नहीं मानता ना, उनके घरों में बिजली के बिलों से ज्यादा FIR टांगी हुई है इस वक्त। वो समी इब्राहिम, एक दर्जन FIR इधर है, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, दर्जनों के हिसाब से FIR दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता। और FIR देते हैं गद्दारी की, बगावत की। गद्दार हूं मैं? आपको मैं बागी लगता हूं? मैं बागी हूं और गद्दार हूं तो आप सारे भी गद्दार हैं जो मुझे सुनने के लिए यहां बैठे हैं।